हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं नीट और जेई के लिए फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आज हम लोग देख रहे हैं कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो देखिए कोलिजन इन वन डायमेंशन में आपने देखा था कि बॉडी टक्कर होने के बाद एक ही डायमेंशन में भागती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बॉडी अब किसी भी डायमेंशन में जा सकती है, दो डायमेंशन में जा सकती है। ठीक है, तो कोलिजन इन टू डी, देखिए वहाँ पर हम लोग क्या करते थे। अगर आप लोग को याद हो तो पहले हम लोग क्या लगाते थे, एक बार हम लोग पहले सॉल्व करते थे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, फिर हम लोग सॉल्व करते थे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है ना, वहाँ से हम लोग क्या निकालते थे, याद करिए, ये आपका क्या होता था, मास m1 होता था, u1 वेलोसिटी से जा रहा होता था, ये मास m2 होता था, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा होता था, दोनों की टक्कर हो जाती थी। तो m1 जाने लगता था v1 वेलोसिटी से और m2 जाने लगता था v2 वेलोसिटी से। तो पहले हम क्या लगाते थे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है ना, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकालते थे, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। ये क्या होता था आपका, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये होता था आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इन दोनों के रेशियो को हम लोग कहते थे ई। ई क्या होता था, बी टू माइनस वी वन बटे यू वन माइनस यू टू। ठीक है ना, और इलास्टिक कोलिजन के लिए ई बराबर वन हो जाता था, तभी ये दोनों क्या हो जाते थे, बराबर हो जाते थे। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोगों को अगर और सॉल्व करना होता था तो हम लोगों ने देखा था डेरिवेशन, जब v1 v2 निकाल रहे थे तो हम लोगों ने क्या निकाला था कि उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी का क्या लगाते थे, कंजर्वेशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। बात क्लियर है, तो चलिए अब देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। ठीक है, चलिए इसका कोई, देखिए डेरिवेशन नहीं है कोई, केवल तरीका है कि अगर जब क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से, किस अप्रोच से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मान लीजिए आपका मास है m1, वेलोसिटी से जा रहा है u1, ये है आपका मास m2, वेलोसिटी से जा रहा है u2। जरा इस केस को एज्यूम करिएगा कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी दो गाड़ियों की टक्कर कॉर्नर कॉर्नर पे होती है, तो जैसे एक इधर से जा रही थी ऐसे और एक की टक्कर हुई ऐसे, तो इधर वाली ऐसे भागती है, इधर वाली ऐसे भागती है, याद होगा आपको। अगर आप कॉर्नर पर टक्कर मारेंगे तो टेंजेंशियली दोनों गाड़ियाँ क्या होती हैं, भागती हैं। उसी तरह का कुछ केस हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं टू डायमेंशन में, मतलब एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। ठीक है ना, चलिए अब इन दोनों की हो गई भैया टक्कर। टक्कर होने के बाद क्या हुआ, ये है आपका m1, ये इसको चलिए m2 मान लेते हैं, और ये है आपका m1। ठीक है, दोनों की टक्कर हुई, ये गया इधर v1 वेलोसिटी से और ये गया इधर v2 वेलोसिटी से। ठीक है ना, ये बीच की लाइन है, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा 2 होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा 1 होगा। बात क्लियर है, मतलब ये थीटा वन एंगल पे ऐसे गया, ये थीटा टू एंगल पे ऐसे गया, क्या होने के बाद, टक्कर होने के बाद। तो देखिए काम आपका फिर से वही है कि आपको क्या करना है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और फिर काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। डिफरेंस क्या आएगा कि अब आपको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन दो डायमेंशन में निकालना पड़ेगा, एक्स के लिए और वाई के लिए, क्योंकि मोमेंट देखिए यहाँ पर टू डी मोशन होगा ना, इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, वी टू कॉस थीटा और ऊपर वी टू साइन थीटा, यहाँ क्या जाएगा, वी वन कॉस थीटा वी वन साइन थीटा। तो चलिए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। तो देखिए ये तो पहले एक्स में ही जा रहा था, इसको इस तरह समझिए, पी आई बराबर पी एफ इन कहाँ, एक्स
एक्स। तो देखिए एक्स में इनिशियल क्या था, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। अब फाइनल देखिए किसमें देखना है, एक्स में। तो देखिए एम टू और वी टू का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा एम टू, या पहले एम वन को लिख लीजिए, तो एम वन वी वन कॉस थीटा प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है इक्वेशन, इसको क्या मान लीजिए, वन मान लीजिए, थोड़ा तिरछा लिख गया है, मैं इसको सही कर दूं, थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगे। एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू बराबर एम वन वी वन कॉस थीटा प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आपको कहाँ देखना है, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल, पहले इसको इस तरह लिख लीजिए, पी आई इन वाई बराबर पी एफ इन वाई। अब देखिए क्या वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल मोमेंटम है, नहीं है भैया, ये तो दोनों कहाँ जा रहे हैं, एक्स में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ का देख लीजिए क्या हो जाएगा, देखिएगा एम वन वी वन एक इधर जाएगा इसका कंपोनेंट वी वन साइन थीटा, और इसका ऊपर जाएगा v2 टू साइन थीटा, दोनों अपोजिट हैं, एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक को निगेटिव, जिसकी जो आपकी मर्जी हो उसको पॉजिटिव ले लीजिए और दूसरे को निगेटिव ले लीजिए, ठीक है। तो नियम यही कहता है कि जो y डायरेक्शन में ऊपर है वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, देखिए m2 v2 टू साइन थीटा माइनस एम वन वी वन साइन थीटा, इक्वेशन ये क्या हो गई आपकी, टू हो गई, ये इक्वेशन क्या थी, वन थी। तो ये क्या आपने लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन। अब क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, और इसको आपने इक्वेशन थ्री मान लिया। तो इसी तरह आपको क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, ठीक है ना। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक तरीका है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जिससे आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये वन डायमेंशन के कंपैरिजन में टफ होते हैं, लेकिन फिर भी चलिए करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये एक मास M है, ठीक है, ये V नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, इसको A भी आप मान सकते हैं। ये एक दूसरा मास है, ये भी M ही है, इसको आप B मान लीजिए, ये रेस्ट में है। सीधी सी बात, ये आ रहा है तो टक्कर होगी। टक्कर के बाद का जो सिनारियो है वो ऐसा है कि जो ये ए है, जो ये ए है और ये आपका बी है, तो ए आपका थीटा एंगल पे वी वन वेलोसिटी पे चला गया, और बी जो आपका है वो 45 एंगल पे कहाँ चला गया, वी टू वेलोसिटी से चला गया। तो आपसे कह रहा है फाइंड थीटा कॉमा वी वन, थीटा और वी वन को आप फाइंड करिए, ठीक है, वी टू भी फाइंड कर सकते हैं आप। चलिए थीटा और वी वन को फाइंड करना है। ये ए है, ये बी है, ए चला गया वी वन वेलोसिटी से थीटा पे, और ये चला गया 45 एंगल पे वी टू से। आपसे पूछ रहा है कि क्या बताइए थीटा और वी वन। चलिए ट्राई करिए, ईमानदारी के साथ ट्राई करेंगे।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैंने आपको जो बताया था उसी तरीके से काम करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन पहले एक्स डायरेक्शन में, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, पहले क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो चलिए एक्स डायरेक्शन का कंजर्वेशन लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एम वी नॉट प्लस एम वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ब्रैकेट में ना लिख के इसको गुणे में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बराबर एक्स का लिखना है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए वी वन थीटा इधर क्या आएगा, कॉस थीटा, एम वन वी वन कॉस थीटा, और वी टू का भी कितना आएगा, देखिए ये एम, एम वन नहीं लिखना, ये एम ही है, दोनों एम है, तो एम वी टू कॉस 45, सही है ना, कॉस 45। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एम वी नॉट ये तो जीरो हो गया, एम वी वन कॉस थीटा प्लस एम वी टू कॉस 45 होता है 1/√2। तो देखिए एम वी नॉट, एम मैंने कॉमन ले लिया, तो वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू बाई रूट टू, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट बराबर वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू बाई रूट टू। यहाँ तक आया, इसको आप मानेंगे इक्वेशन वन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन किस में लगाना है आपको, वाई में लगाना है। ठीक है, तो वाई में लगाइए, चलिए इन वाई डायरेक्शन। तो देखिए इनिशियल क्या है, पी आई किस में, वाई में, पी एफ किस में, वाई में, ये कितना है, जीरो, क्योंकि ये दोनों बॉडी कहाँ जा रही हैं, एक्स में। अब इसको देखिए ऊपर क्या जाएगा, देखिए वी वन साइन थीटा और नीचे क्या जाएगा, वी टू कॉ, वी टू साइन 45। तो ऊपर वाले को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, तो वी वन साइन थीटा माइनस वी टू साइन 45। क्लियर है बात, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, वी वन साइन थीटा बराबर, इसको इधर ले आइए, तो वी वन साइन थीटा इधर, ये इसको इधर लाइए, तो पॉजिटिव हो गया वी टू साइन 45। तो देखिए वी वन साइन थीटा बराबर वी टू और ये 1/√2। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं V2 की वैल्यू अगर निकालूँ तो क्या मैं इसको रूट टू वी वन साइन थीटा लिख सकता हूँ, और इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन टू। V2 क्या निकाल लिया, रूट टू वी वन साइन थीटा, ये हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। यहाँ तक आप लोग नोट करें, इसके बाद हम लोग लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आंसर हम लोग को मिल जाए, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक।
चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन पर। क्या हो जाएगा देखिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम, वेलोसिटी जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा देखिए, हाफ एम बी वन स्क्वायर, हाफ एम बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर हाफ एम बी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं ज़रा ब्रैकेट बंद कर दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये पुराना है। देखिए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम कॉमन ले लीजिए तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बचेगा, हाफ एम से हाफ एम कैंसिल आउट तो क्या आ गया अपने पास, V नॉट स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन थ्री, इसको मान लीजिए इक्वेशन थ्री। अब देखिए आपको क्या करना है, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आपको V2 की वैल्यू रखनी है इक्वेशन टू से। तो देखिए यूजिंग इक्वेशन टू, इक्वेशन वन बिकम्स, टू का यूज करिए वन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, वी नॉट बराबर वी वन कॉस थीटा प्लस वी टू रखिए यहाँ तो रूट टू वी वन साइन थीटा, बोलो सही है। और नीचे क्या है, रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल तो वी नॉट बराबर वी वन कॉस थीटा प्लस वी वन साइन थीटा, बोलिए सही है। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या मैं यहां से वी वन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैं मानने जा रहा हूं इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर। ठीक है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फोर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फोर क्या हो जाएगा देखिए, वी नॉट स्क्वायर बराबर वी वन स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए एक चीज और देखनी थी हम लोगों को, क्या देखना था, कहाँ गए, नोट करिए यहां तक। देखिए चलिए, एक हमारे पास इक्वेशन आई है ये वाली इक्वेशन थ्री,
इक्वेशन थ्री में इक्वेशन टू का यूज कर रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री बिकम्स, ठीक है ना। देखिए क्या है, वी नॉट स्क्वायर है बराबर वी वन स्क्वायर है, और वी टू स्क्वायर की जगह मैं इसको लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा टू वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए रूट टू का स्क्वायर टू, वी वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर फाइव, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है। अभी चाहे इसको में देखिए काम आप और कर सकते हैं, देखिए ये इक्वेशन फोर थी, इसको छोड़ दीजिए, इसको मानिए इक्वेशन फोर, ठीक है। और यहाँ से ज़रा वी वन स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन फाइव, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग फोर एंड फाइव, या तो कंपेयर बोल दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। देखिए यहाँ वी नॉट स्क्वायर, यहाँ भी वी नॉट स्क्वायर, वी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, तो ब्रैकेट वाले टर्म क्या होंगे आपस में बराबर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर बराबर वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं बची। ठीक है, चलिए मैं इधर मिटा देता हूँ, क्वेश्चन खत्म होने की तरफ है। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है इसलिए थोड़ा सा आपको कठिनाई पड़ रही है, केवल आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, बोलो सही है, वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, बोलो सही है, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बचा टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखिए टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा, देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर हैं, ये थीटा की किस वैल्यू के लिए बराबर होते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा थीटा की किस वैल्यू के लिए बराबर होते हैं, 45 के लिए, ठीक है। चलिए तो देखिए थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा 45, ये आपका पहला आंसर हो गया। सर दीपक को फोन कर लीजिए जरा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो V नॉट बराबर V1 वन कॉस 45 प्लस साइन 45, तो V नॉट बराबर V1 क्या बचा 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से V नॉट बराबर V1 और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट टू, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपको V1 निकालना था, तो V1 बराबर क्या हो गया V नॉट रूट टू बाई टू, या इसी को आप लिख सकते हैं V नॉट बाई रूट टू, ये 2 को क्या लिखेंगे रूट टू और एक रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया दूसरा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। बात हुई सर, बात क्या कह रहा है,
वैक्सीन के सर सारे साइड इफेक्ट खत्म हो गए। हाँ खत्म, बिल्कुल कुछ असर नहीं। पैसा लगना है नहीं, इन लोग की वो किरकिरी उसमें हो रही थी कि केंद्र सरकार वाले में कराएंगे तो 200 लगेगा और राज्य सरकार वाले में कराएंगे तो 400 लगेगा। इस बार मुझे लग रहा है स्पुतनिक वी का भी ऑप्शन आ रहा है। आपको कौन सी लगी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? कोविशील्ड मेरे समझ से ज़्यादा बेहतरीन है। नहीं, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें चूज़ करने का ऑप्शन आता है। आप लोगों का तो मुझे लगता है क्या स्कूल के माध्यम से हुआ है क्या, क्योंकि आप लोग 45 वाले भी नहीं थे। अच्छा शुरू हो गई है तो आपने फोन उसमें उस हिसाब से लगी है, उससे कम होती तो नहीं लगती अभी। अच्छा तो ये अवस्थी जी ने नहीं लगवाई थी क्या वैक्सीन? हाँ वैक्सीन पहले की लगी हो, 20 15 20 दिन पहले की, तो बात अलग है, और दिक्कत है उसमें। लेकिन जैसे अगर जैसे जिसका जैसे सीटी स्कैन के बाद जैसे 50% तक डैमेज अगर आया है तो मेरे समझ से बॉडी 50% कवर कर ले जाती है, नहीं कवर कर? नहीं, ट्रीटमेंट में जैसे कह रहा हूँ, ट्रीटमेंट पाने के बाद वो बच गया तो वो जो फेफड़े हैं तो वो धीरे धीरे रिकवर तो बॉडी नहीं करती। अच्छा हाँ मतलब ये एक बार अगर डैमेज हो गए तो रिकवरी नहीं है इनकी, और इनका कोई ट्रांसप्लांट भी नहीं है। तो मेरे समझ से जितने लोग भी मतलब ठीक ठाक मतलब काफ़ी मात्रा में वो होने के बाद रिकवर हुए हैं, 40% से कम डैमेज तो किसी का नहीं है। नहीं तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं हुई उनके चेस्ट में इन्फेक्शन फेफड़े में नहीं हुआ, मतलब फेफड़े डैमेज हुए? हाँ और वो वीक बने रहेंगे। जैसे वो इस समय चल रहा है ना कि अगर आपने 1 मिनट तक अपनी सांस रोक ली तो इसका मतलब सही काम कर रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप सांस रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब कि ठीक है अभी सिस्टम, हो सकता है आगे हो जाए। मतलब
मतलब जब तक आप सांस रोक पा रहे हैं तब तक तो काम सही है। कल मैं ये दीपक लोगों ने खरीदा एक ऑक्सीमीटर जो है, कल मैंने पूरे घर का नापा है जो है, तो 99 98। हाँ, कौन सी कंपनी का मंगाया आपने? डॉक्टर ट्रस्ट का कि कितने का पड़ा है? अरे ये समझिए, डॉक्टर ट्रस्ट का मैं मंगाने जा रहा था 23 या 24 तारीख को, 2500 मैंने देखा रेट, तो मैंने कहा कि नहा के ऑर्डर कर दूंगा, नहा के आया 3000 हो गया। इस समय ये समझ लीजिए इतनी बुरी पोजीशन है, जो डॉक्टर ट्रस्ट वाला है वो 4000 का मिल रहा है और एक मिल रहा है 4700 का, MRP पे आ गया, और ये सब अभी कोविड के पहले 1000 1000 रुपये में मिलते थे। हाँ, लोकल है वो, 1900 का। 1900 हाँ, इस समय ये है कि 25 2600 में मीडियम ब्रांड का मिल जा रहा है। देखिए इस समय 3900 का डॉक्टर ट्रस्ट मिल रहा है, अगर 3400 का SCL लेना है तो मेरे समझ से फिर 3900 का डॉक्टर ट्रस्ट लेने लायक है। नहीं सर, डॉक्टर ट्रस्ट के मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, मेरे पास उसका स्टीमर है, वो भाप लेने वाला, 2 साल पुराना है, तब मैंने लिया था 1200 का, MRP उसकी 4000, इस समय 3500 का मिल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, और वो जो है नैनो स्टीम देता है जो है, मतलब वो कटोरे वाला नहीं है, वो कटोरे वाला भी आता है 1200 1300 का आता है उसका, वो दूसरा वाला है, वो नैनो स्टीम देता है, इतनी कंसंट्रेटेड स्टीम देता है कि बिल्कुल चीरते हुए अंदर चली जाती है। हाँ हाँ ये LG वाली मंगाई ना आपने? अरे इस समय अभी 2 3 दिन से वो गायब थी, जिंक की टैबलेट मार्केट में, जिंकोनिया 50 mg। जन औषधि केंद्र। फिर मैंने जो है परसों जो है मैंने उससे 1 mg से ऑर्डर की थी, 3 वही की डिलीवरी दिखा रहा था, तो फिर कल कल फिर मार्केट में मिल गई तो मैंने फिर खरीद लिया, क्योंकि क्योंकि जो जितने भी बाकी के प्रोडक्ट हैं मेडिकल प्रोडक्ट, जिंक किसी में 50 mg है ही नहीं, मैक्सिमम जिंक आपका बीकोसोल जेड में है 15 mg, ये समस्या है। तो ये जो लोकल वाले हैं ना, ये परफ्यूजन इंडेक्स नहीं बताते, और ब्रांडेड वाले में परफ्यूजन इंडेक्स आता है, परफ्यूजन इंडेक्स का भी अपना एक महत्व है जो है।
एमआरपी कितनी है? उसमें तो जितना एमआरपी तो अपने की मिलता है, हाँ, लैंड में वही सीओ कंपनी का अंतर कंपनी का अंतर है, है। 170 रुपये का है, लेकिन वही कंपोजिशन हाँ, 400 रुपये। तो ये सरकारी अस्पताल की बातें बता रहे हैं। सरकार सभी जन औषधि केंद्र खुला है कहाँ उसका, पर? जहाँ पर जो है मेन जो गेट है अंदर वाला ये हाँ ओपीडी वाला, उसके जस्ट लेफ्ट साइड जहाँ पर्चा कटता है हाँ उसी जस्ट बगल से जन औषधि बोर्ड लगा है, वो अच्छा सरकारी है। तो गवर्नमेंट ने पूरे ऑल इंडिया खोले हैं, तो उसमें 50% दवाई मिलती है, 50% में। लेकिन अच्छा प्रिंट रेट 50% ही पड़ा होता है। इस मान लो कि जिस 100 की बाजार में ले गए तो उसमें 50 ही पड़ा होगा, 50 के लिए अभी तो रेट बढ़ गए, पहले 30% मिलती थी। अच्छा इसमें बता रहे हैं कि जिंक का बहुत बड़ा रोल है जो जिंक है। बहुत बड़ा, जिंक जो है वो एक्टिवेटर है, उसको सप्रेस कर देता है, उसके इंजन पर वो एंजाइम बनाता है वो वायरस, तो उसको बने ही देता है। वैसे बॉडी में जिंक की जो एक दिन की मात्रा है वो 12 mg चाहिए एडल्ट को, लेकिन हम लोग जैसे ले रहे हैं इस समय 100 100 mg, 50 mg की दो टैबलेट। एक्चुअली क्या है कि बॉडी को तो चाहिए, लेकिन जो वायरस है वो जिंक की प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है, अब मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए जिंक ले रहे कि वो ना मल्टीप्लाई कर पाए, नुकसान हो बॉडी को तो हो। जिंक को, इस वायरस जिंक का नुकसान क्या है? ओवर डोज हर चीज़ की ज़्यादा नुकसान है, चाहे विटामिन की हो चाहे मिनरल्स की हो, अगर ओवर डोज होगी तो मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाएगी बॉडी में, मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो एक्सेस हो जाएगी। जैसे आप कैल्शियम टेबलेट लगातार खाओ बिना जरूरत के, तो आपकी जो हड्डी होगी ना वो फ्रैगाइल हो जाएगी, भंगुर जैसे चाय का कप गिर जाता है तो फ्रैगाइल हो जाएगी, एक्सेस डोज में उसे कहते हैं मिनरल्स का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वन डायमेंशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये कोई बॉडी है जिसका मास है 2 kg, 4 m/s से जा रही है। ये आपकी बॉडी है 1 kg की, ये 2 m/s से जा रही है। कह रहा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, यानी कि E बराबर कितना कह दिया? 1 कह दिया। तो आपसे कह रहा है कि ये 2 kg मान लीजिए V1 से जाने लगी और ये 1 kg V2 से जाने लगी, तो पूछ रहा है आपसे V1 और V2 की वैल्यू बताइए, V1 एंड V2। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने किए भी हैं। दो तरीके हैं, आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं या लॉन्ग कॉन्सेप्ट वाला लगा सकते हैं। तो चलिए दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो पहला मैंने बताया था U1 - U2 बराबर V2 - V1 कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो U1 - U2 4 - 2 बराबर क्या आ गया? V2 - V1। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लीजिए, V2 - V1 बराबर 2। ठीक है, इसके बाद आप क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लगाइए, इनिशियल कितना है देखिए, 2 × 4 + 1 × 2 बराबर 2V1 + V2। तो देखिए कितना हो गया, 8 + 2 बराबर 2V1 + V2। तो यहाँ से 2V1 + V2 बराबर आ गया 10। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1 V2 निकालना है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर V1 है और यहाँ पर 2V1 है, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए उसको इक्वेशन 2 में। तो देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2V2 - 2V1 बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए, 2V1 + V2 बराबर 10। चलिए ऐड कर दीजिए दोनों को, जब ऐड करेंगे तो देखिए माइनस का 2V1 प्लस का 2V1 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका, 3V2 बराबर 14। तो V2 बराबर कितना आ गया, 14/3 m/s। अब इस V2 की वैल्यू रख दीजिए किसमें, V1 वाले में रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। तो देखिए यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, V2 - 2, तो V1 बराबर V2 - 2। देखिए ये 2 इधर गया माइनस का हो गया, V1 इधर आया प्लस का हो गया। तो V1 बराबर V2 कितना है, 14/3 और -2, LCM ले लीजिए तो ये 14 और ये 6 कितना आ गया, 8/3 किसके बराबर आया, V1 m/s। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, V1, और ये आपका क्या आ गया, V2। नोट कर लीजिए, इसको आप लोग दूसरे फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। कल मैंने बताया था जो आपको,
क्या था, v फाइनल बराबर 1 प्लस e v सेंटर ऑफ मास माइनस e v इनिशियल। इससे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, v सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना है 2, v1 कितना है 4, m2 कितना है 1, v2 कितना है, अब यहाँ पर u1 मानिए नहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 1। तो देखिए 8 प्लस 2 10, 10 बटे 3, ये क्या आ गया आपका v सेंटर ऑफ मास, e की वैल्यू 1 है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, इसको यहाँ रखेंगे और v1 और v2 को बारी बारी निकालेंगे तो देखेंगे दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कल। दीपक आएगा सर तभी फोन आ पाएगा। अच्छा नए लड़के को ज्यादा दिक्कत है, लेकिन जो पुराना स्टाफ है
थोड़ा सा लोग जानने को।